पता था कि जिंदगी एक दिन वही देगी मुझे जो मैंने उससे कभी मांगा ही नहीं था। जितेंद्र दीक्षित, रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। विक्रम कपूर अभी अभी एक कार हादसे के शिकार हो गए हैं। इस सिलसिले में हमने विक्रम कपूर के पिता प्रताप कपूर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसी के साथ विक्रम कपूर से जुड़ी एक और बड़ी खबर आई है। विक्रम कपूर फैशन लेबल की स्टार मॉडल सारा ब्रिगेंजा ने आत्महत्या कर ली है। विक्रम कपूर का एक्सीडेंट और सारा की आत्महत्या के बीच क्या कोई संबंध है, ये अभी बता पाना मुश्किल है। पर इन दोनों घटनाओं का एक रात में घटना मामले को संगीन और संदिग्ध बनाता है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि विक्रम कपूर के एक्सीडेंट और सारा ब्रिगेंजा की आत्महत्या का सच जल्द ही सामने आएगा। अभी अभी एक और बड़ी खबर आई है कि विक्रम कपूर हादसे में बच गए हैं और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सर, इन्हें घर छोड़ना जरूरी है? नहीं, ऐसे ही बोल रहा था। वही घर में आपको डर नहीं लगता सर? क्या है? पेपर चाहिए? डर ही गया था। 2 रुपया साहब। चल जा। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है पांडे। 2 दिन बाद इनकी बेटी का फ्यूनरल है जो हमने रोक रखा था, और आज विक्रम घर वापस आ रहा है। गरम चाय पिला दे यार।
अब मिला टाइम मेरे लिए? क्या करूँ, जब से मैम का मर्डर हुआ है तब से पुलिस बहुत तंग कर रही है। पता है पता है। अरे एक से सफाई करवा दी ना शिंदे। वो साहब कोई आया गया? नहीं साहब, सारी चीजें जगह पर रखवा दी। दरवाजा खोल। हाँ साहब। Okay, settle down guys, take notes please. Okay, बहुत सारे कलर्स, innovative designs, अलग टाइप्स के textures, but guys, most importantly, तुम्हारे फेवरेट रायो मार्क्स का पर्सनल टच। सो डार्लिंग्स, आई गिव यू 2019। So, what do you think? Nah. What do you guys think? I like it. I think we can do better. Can do better? What? Rats! Radhika! Rats! Darling, you need to explain. Rats, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुमको क्या चाहिए? The fashion show is just around the corner और हम ready नहीं है। सब जिम्मेदारी हमारी है, तुम क्या कर रही हो? हमारे पास तो brand है। Don't be such an auntie। राधिका, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। Actually, विक्रम सर का पास ले, उन्हें दे देना please। राधिका, मैं। I am sure you'll manage something. Bye. जब से विक्रम के साथ she's acting like she's the new boss. I'm so stressed. I need to eat. Matilda, get me something to eat. She was my intern. You know. देखो, मुझे तुम्हारे पर्सनल मैटर्स में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पूरा ऑफिस बात कर रहा है। राधिका, लिसन टू मी, आई एम टॉकिंग टू यू। विक्रम्स वेटिंग, मुझे निकलना चाहिए, अलीबाग के लिए लेट हो रहा है। एंड सॉरी सोनिया, आई मीन सोनिया मैम, अगली बार मेरा हाथ पकड़ाना, तोड़ दूंगी। बाय। ये लो, आ गए। कैसे काका? जी अच्छा। विक्रम की हेल्प करो काका, विक्रम का सामान निकालो। रोमिला, चलिए बाबा। काका, हाथ सही सलामत है। अरे बाबा, आप वहां कहां जा रहे हैं? आपका कमरा यहाँ नीचे तैयार करवाया है। आई इधर से। रमजी, कहाँ हो तुम? रमजी, कम ऑन। कमिंग प्रताप। हाय विक्रम, वेलकम बैक। मैंने तुम्हारे लिए नीचे वाला कमरा तैयार किया है, सोचा ऊपर जाने में दिक्कत ना हो। बेटा, नीचे वाले कमरे में कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। रमजी, तुमने वो सिंपति मत दिखाइए। कम से कम आपको तो मालूम होना चाहिए था मुझे और किसी कमरे में रहना पसंद नहीं। ऊपर है तो प्रॉब्लम है। आई अंडरस्टैंड। विक्रम,
हेलो, कैसे हो? I'm okay. तुम्हारे फेवरेट फूल लेकर आई हूँ। ये फूल वाले अपने आप को क्या समझते हैं? फूल कम पत्ते ज्यादा है। एंड पैसे तो ऐसे मांगते हैं जैसे पेड़ पे उग रहे हैं। Oh shit. I mean actually इतने बुरे भी नहीं हैं। Looks good ना? It's not bad. But listen, ये models भी ना, आधी बातें जो बोलती है मुझे कुछ समझ में नहीं आता। Like that one who's like, मेरी skirt की हैं थोड़ी short कर लो तो मैं बहुत cute लगूंगी। I mean, do you even think I care? वैसे मैं diction classes दे सकती हूँ, you know that. तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तो मौका दोगे तो ही तो बोल पाऊंगा। Point. Yum, केक कौन लाया? I believe कि हर केक को कैंडल के साथ कट करना चाहिए। So then you get a chance to make a wish. Me? Make a wish? क्या wish करूँ? तुम्हारे fashion sense से दूर भागो। मगर भागू भी तो कैसे? कभी-कभी तुम्हारा मजाक भी ना। कुछ ज्यादा बोल दिया, नाराज हो? देखो नाराज हो गए फिर भी सॉरी नहीं बोलूंगा। तुमने लाइफ में कभी सॉरी बोलना सीखा है? पॉइंट। भैया। हे नंदनी, कैसी है मेरी बच्ची? हाय नंदनी। हाय, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। आपको मेरा गिफ्ट मिला? मिला? It's the best gift I've ever got. We're all gonna blow out the camera. Come on, let's make a wish. One, two, and three. रमजी, जिस तरह विक्रम ने आज सुबह तुम्हारे साथ बिहेव किया, I'm really sorry. He needs our attention. He's been through a lot, you know. इतने दिनों के बाद घर आया है रमजी। I hope you understand. मैं बस नंदिनी के बारे में सोच रही थी। वो भी बड़ी हो रही है और मैं नहीं चाहती वो ये सब तमाशा देखे। खैर, तुम परेशान मत हो। मॉर्निंग बाबा। काका सुबह सुबह आप भी ना, थोड़ी देर और सोने देते। सुबह सुबह उठना सेहत के लिए अच्छा होता है, उठो। नहीं काका, बस वो घर आने की खुशी में खुद भूल गया था कि मैं ठीक हूँ। मैं कुछ करता हूँ। अब ये हो गए हमारे बाबा सुंदर और स्मार्ट। सो लेट मी सी। Excellent.
थैंक यू सर। Wasn't she a beauty? No one like her. देखो तुम्हारे कमरे तक पहुंचने का इंतजाम भी कर दिया है मैंने। और कुछ पूछोगे तो लिस्ट खत्म नहीं होगी डैड। चले कम लेट्स गो। Mercies cannot be numbered. Accept our prayers on behalf of thy servant Sarah Briganza, and grant her an entrance into the land of light and joy, in the fellowship of thy saints, through Jesus Christ, thy Son, our Lord, who liveth and reigneth with thee and the Holy Spirit, one God, now, forever and ever. Amen. I'm so sorry, Vikram. Sarah was a good asset to our company. Radhika dikhai nahi de rahi. Discuss issues and make decisions. May you bless each person who took the time to gather here today. And let your hand of protection be on your बड़ा अफसोस हुआ सुनकर इतनी कम उम्र में। Yes, big loss for our company. तुम्हारी कंपनी की भी तो ब्रांड एम्बेसडर थी ना नारंग। हाँ मगर मैं विक्रम की बात कर रहा हूँ। Let's go in peace and serve the Lord. Amen. Pratap, Romila ko mera pyar dena. सर वो सारा की मदर क्या कह रही थी? वो डिप्रेशन में थी। शी शॉट हरसेल्फ। व्हाट? ऐसा सुनने में आ रहा है। ओह माय गॉड। हम पुलिस वाले किसी नतीजे तक पहुंचे हैं उससे पहले ही मीडिया और पब्लिक दोनों ही अपने अपने रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं। I'm sorry. मैं कुछ समझा नहीं। सर सारा की शादी होने वाली थी। she was happy. ये अचानक मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये समझ में आ जाए वहां पुलिस का क्या काम। हेलो विक्रम जरा ये नंबर तो डायल करना। 9820237200 स्पीकर पर डालो। तुम्हारा दोस्त था ना अपनी मंगेतर के फ्यूनरल पर भी नहीं आया तो सोचा जिमी ऐसा नहीं कर सकता। सर जिमी लव सर ऐसा क्यों करेगा है। प्यार बड़ी हरामी चीज होती है विक्रम। किसी के मरने की वजह ही नहीं मारने का मकसद भी ढूंढ ही लेते हैं। समझ नहीं आता कि केस कॉम्प्लिकेट होता है या करवा देते हैं आप लोग।
जैन सर, You're prone to accidents, Mr. Vikram Kapoor. I've been saving it for a time when you all come, so we can open. Oh, really? So much. But such a long way to come from Bombay, na? Dheere, dheere. Well, at least the weather is good. Right. Bombay's so hot. Yeah. Correct. Aap lijiye na, please. काका जी, काका जी, यहां से फोटो किसने हटाई? किसने हटाई? क्या हुआ विक्रम, चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्ही ने तो कहा था, इसलिए तुम्हारी बाकी चीजों के साथ मैंने ऊपर रखवा दी। मुझे लगा किसी ने गलती से रख दी होगी। क्या कहा तुमने? गलती से? और ये फोटो? ये फोटो यहां गलती से नहीं है। फोटो लेकर आओ। जी बाबा। रोमिला, गेट दिस वन थिंग वेरी स्ट्रेट। तुम मेरी फैमिली नहीं हो, तुम मेरे डैड की वाइफ हो, बस। अंडरस्टैंड? गेट आउट, गेट आउट। ये तुमने अच्छा नहीं किया रोमिला। क्या? रोमजी, क्या ये क्या हुआ? कुछ नहीं पता, हर चीज की अपनी अपनी जगह होनी चाहिए, चाहे वो एक फोटो फ्रेम ही क्यों ना हो। आओ। क्या कर रही हो? लग जाएगा। काका ये साफ कर दो प्लीज। तुम ठीक हो? तुम्हें लगा तो नहीं? I'm fine. She's just... काका, ये तस्वीरें यहाँ से हटवाई दो तो अच्छा है, विक्रम को आने जाने में तकलीफ हो सकती है। और खाना लगा दो प्लीज। Let me see. खून निकल रहा है। कम कम काका, थोड़ी बर्फ ले आओ जल्दी। दो बड़ा पाव बोला था, ऐसी लेकर आए? चल जा। सॉरी साहब। क्या रे डब्बू रत्नानी? हेलो सर। बड़ा लगा हो गया तुझे इन मोहतरमा से? नहीं सर, पूरा पोर्टफोलियो छाप डाला। क्या सर, कैसी बातें कर रहे हैं? ए, काम ठीक किया नहीं, वड़ा पाव खाता है। सारा से एक आखिरी बार मिलने आए थे। मुंबई मालाबार हिल पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर रॉय, अलीबाग। मुझे ऐसे आके मत मिला कर। सारा मर्डर केस में तेरा नाम है, तेरे चक्कर में मैं भी अंदर जाऊंगा किसी को शक हुआ तो। पैसे लाया? ये ले। एक भी बुलेट रजिस्टर नहीं है। चलाएगा कैसे? गन है तेरे पास?
क्या लगता है हुँ? ये खेल जीतूंगा या हारूंगा? आप हार गए बाबा। अभी चल बाकी है काका। चलो आप अपनी रानी बचाओ। चेक मेट एंड आई विन। बाबा आपको कोई नहीं हरा सकता है। मैं आया एक मिनट। अरे पापा ये लेटर से ही रह गए थे। को लव का अच्छा नाम दिया तुमने। एनीवे गॉट टू गो। या विक्रम? या विक्रम कपूर। सारा हूँ जी। कौन है सारा? हूँ जी। इस पर पहले से सारा के घर का सीसीटीवी फुटेज मिला क्या पांडे? नहीं सर, वॉचमैन से बात हुई लेकिन वो फुटेज चोरी हो गई है सर। सर जिमी के घर के परमिशन मिली क्या? पांडे सुबह सुबह कड़क चाय तो पिला कर, नींद खुल जाती है। रॉय कदम फ्रॉम मुंबई क्राइम ब्रांच। जिमी ब्रिगेंजा के घर का सर्च वारंट आपको ग्रांट कर दिया गया वो है। मुझे तो लग रहा था एक के साथ से निकल जाएगा पांडे, परमिशन मिल गई। बहुत दिनों से मेरे साथ टॉम एंड जेरी खेल रहा था, चल तुझे मिस्टर इंडिया बना पा। क्या हुआ तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? मैं कंफ्यूज हो गई। भैया इनको कैसे पकड़ते हैं? नंदनी इन्हें पकड़ने के लिए पहले इनके साथ खेलना पड़ता है, समझी? जाओ देखो टॉम एंड जेरी काका का। काका काका। एनीवे दो दिन के लिए कॉस्ट्यूम ट्रायल्स के लिए बाहर जा रही हूँ, वापस आकर मिलूंगी। राधिका विक्रम का एक्सीडेंट और ये पार्टी एक ही दिन हुई थी, कुछ और मिला? नहीं सर। साहब सर एक बात समझ में नहीं आई, राधिका इस तरह अचानक चली क्यों गई? वो विक्रम से प्यार करती थी और शायद उससे देखा नहीं गया कि कोई और भी उससे है। तो आपका मतलब सारा विक्रम से, और ये बात जिमी भी जान गया था इसलिए आप जिमी के घर तलाशी करने आए हैं? सर जिमी का मोबाइल उसके वाईफाई से कनेक्ट हो गया, इसका मतलब वो यही कहीं है। Just two minutes. Hey! इधर आए! जी सर।
सर। पकड़ो उसे, नीचे आ रहा है। ओके सर। बेवकूफी मत करना। सारा की बॉडी के पास उसके वॉचमैन ने तुम्हें देख लिया था। भागो मत। विक्रम का एक्सीडेंट तुम्हीं ने करवाया था ना? हमारे पास और कोई रास्ता बचा नहीं है जिमी। मेरे साथ चलो। क्या हुआ? खेल तो अभी बाकी है। मुझे आपके साथ नहीं खेलना। आप हमेशा चीटिंग करते हैं। चीटिंग? मैं? Well, चीटिंग नहीं करूंगा तो जीतूंगा कैसे? तुम इतना अच्छा खेलती हो, हाँ? मुझे अरे, नहीं खेलना है। अरे नंदनी, नंदनी। उफ यो माँ, इतना गुस्सा? क्या हुआ? भैया ने मुझे हरा के चीटिंग की। भैया ने चीटिंग की? हाँ। ओहो, ठीक है, आप उनसे खेलो। आप तो उससे भी बड़े चीटर हो। मुझे किसी के साथ भी नहीं खेलना। नंदनी, नंदनी, नंदनी जरा। तुम पे गई बिल्कुल। On me? You're blaming me now, huh? Your car's back. Drink. I don't mind. तुम्हें बोर्डिंग स्कूल नहीं भेजना चाहिए था मुझे। तुम्हारी माँ के जाने के बाद बाप होने की जिम्मेदारी नहीं निभाई मैंने। तुम पे ध्यान नहीं दिया। शायद इसीलिए आज तक नाराज हो मुझसे। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। होना भी चाहिए। नहीं डैड, माँ का नाम नंदिनी को देख आपने मेरे लिए माँ को जिंदा रखा। थैंक्स। Just remember one thing, beta. I love you. I love you too, Dad. Cheers. केस में बुलेट का एनालिसिस हो चुका है। देयर इज अ मैच। पांडे, जब एक गोली बंदूक से फायर होती है ना तो उसका एक ही मकसद होता है, सीधे जाके निशाने पे लगे। फिर भी एक सुराग छुप जाती है जिससे यह पता चलता है कि वो कहां से आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करो पांडे।
बाबा आप शर्माते भी हैं। हॉस्पिटल में सुंदर नर्सेज नहलाती थी, कोई 80 साल का बुढ़ा नहीं। आप भी ना बाबा। Kamlesh, I hope there's nothing to worry about. Not really, Pratap. But Vikram ke accident ke baad, he needs constant care. Lekin aaj jo hua na, that could have been fatal. You need to be a lot more careful. There's nothing to worry about. Anyways, I got some good news for you. US se Vikram ki reports aa gayi hain. Chances are ki wo 100% theek ho jayega. Agle hafte maine doctors ko bhi bula liya. Par abhi tak maine usse bataya nahi. Let's hope. That's great news, Kamlesh. Come. विक्रम, तुम्हारे मेरे बीच जो डिफरेंसेस हैं, उससे मैं नहीं चाहती किसी को चोट पहुंचे। अपना ख्याल रखना। सबको फिलहाल इतना ही बता सकता हूं कि सच और जिमी ब्रिगेंजा बहुत जल्द आप सबके सामने होंगे। सर, तो आपकी टीम ने उसे पकड़ने के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई है? जिमी ब्रिगेंजा सारा मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट है। ही इज आर्म्ड, ही इज डेंजरस एंड ही इज ऑन द रन। सो प्लीज बी केयरफुल, और अगर वो किसी को भी नजर आता है डायल 100। I promise कि मैं ठीक हूँ। क्यों मोटे? बहुत खा रहे आजकल? अरे पांडे जी उपवास है। इंस्पेक्टर रॉय, ले तू उपवास। आइए आइए सर, आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सॉरी, आप दोनों को तकलीफ थी। क्या हुआ मिस्टर रॉय? आप कुछ बताने वाले थे, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? सारा की फोरेंसिक रिपोर्ट्स आ गई हैं। जो गोली उसकी बॉडी से बरामद हुई थी वो उसकी बॉडी के पास पड़ी हुई गन से मैच नहीं हो रही, और जिस तरह से सारा को गोली लगी है उससे ये साबित होता है कि सारा ने अपने आप को नहीं बल्कि किसी और ने सारा को मारा है, और ये दिखाने की कोशिश की है कि उसने खुदकुशी की। अफसोस आदमी के जाने के बाद इस सबसे हमारा क्या लेना देना है? मजाक अच्छा कर लेते, मगर जो गन हमें मिली है दैट्स नॉट द मर्डर वेपन। मर्डर वेपन? ये क्या कह रहे विक्रम? ये नाटक बंद करो सारा, डोंट बी सो फ्रिकिंग डेस्परेट। डेस्परेट मैं नहीं विक्रम, डेस्परेट तुम लग रहे थे तुम्हारी उस इंटर्न के साथ। जो गोली सारा की बॉडी से बरामद हुई थी वो आपकी रजिस्टर्ड गन से फायर की गई थी। मेरी गन से? मेरी गन सारा के पास? हाँ हो, हाउ इज दैट पॉसिबल? ये तो विक्रम ही बता सकता है। सारा, तुम्हारे और मेरे बीच में जो हुआ वो अफ्रीकन मिस्टेक, और तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम्हारी उस जिमी के साथ शादी होने वाली थी। You were engaged the night we slept together. उस रात के बाद जिमी मुझे threat कर रहा है। He's threatening me. I don't need this in my life, Sarah. Understand? Please, चली जा। It's not what you think. Was it? Was it a one night stand for you? Or is it because of that Radhika? क्यों विक्रम?
उसी गन से सारा की मौत कैसे हुई? That's it. किसके कहने पर गोली चली? मुझे कैसे पता होगा? आप इन सब में विक्रम को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? उसी पार्टी वाले दिन विक्रम का एक्सीडेंट होना, उसी रात सारा का मरना और जिमी का गायब होना, ये सब एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता? आपको पता है आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आप अपना काम करते तो आपको पता चलता हमारे घर में चोरी हुई थी और बाकी चीजों के साथ साथ मैंने अपनी गन भी स्टोलन रिपोर्ट की थी, और वो रिपोर्ट आपके घर भिजवा दी गई। मिली नहीं? क्या कर रही हो तुम? Have you lost it? Put the gun down. क्या कर रही हो? Let you go away with this. सारा, मैं मीडिया के पास जाऊंगी, मैं बताऊंगी उन्हें तुमने क्या-क्या किया मेरे साथ। सारा, shut up. I will completely shoot you. What are you talking about, Sara? Sara, calm down. Vikram Kapoor, me too. Sara, no. Calm down. What you want? No, no, Sara. Calm down. Okay, we can talk. We'll talk. Sara. 24 bullets. सीरियल नंबर्स MMW1991 से MMW2014 तक आपके नाम पर रजिस्टर्ड हैं। 18 बुलेट्स अभी आपके पास हैं। 4 आपने फायर कर दी। Yes. उनके एम्प्टी शेल्स जो आपने डिपार्टमेंट को हैंडओवर किए थे। Exactly. लेकिन आपकी गन अब भी मिसिंग है। And there is one dead girl. But the gun was reported stolen. Police ne mere ghar ki talashi bhi li hai. And if you want, you can come and check again. Ek ladki ki jaan chali gayi. You're going on harping about the gun. Us gun mein abhi ek goli baki hai. There is still one bullet left in that gun. और मुझे शक है कि उस पे किसी का नाम लिखा है। Are you under arrest, Mr. Roy? अभी तक तो नहीं। मेरे लॉयर्स आपसे बात करेंगे। सारा मर्डर केस बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। जिमी पकड़ा गया है। पुलिस वालों को आदत होती है हर किसी को शक की नजरों से ही देखते हैं। यू डोंट वरी। डैड, सारा ने वो गन मेरे हाथों से ली थी। डोंट वरी प्रताप, पुलिस को अब तक वो गन नहीं मिली है। आई विल हैंडल इट फ्रॉम हियर। थैंक यू मिस्टर बंसल। जाओ यहां से। जी मैडम। रोमिला, ओ वो खाना तैयार है, आप भी खाइए ना। यस, स्टे। थैंक यू, बट मुझे निकलना होगा। प्रताप, आई विल हैंडल इट। Yes, thank you. No problem. I see you. Coming. Baba? आने वाले थे तो फोन कर देते। मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना ऑर्डर कर दिया था। रेस्टोरेंट में तुम्हारा वेट करती रही मगर तुम आए नहीं। कब तक वेट करोगी? क्या क्या कहा? मेरे ठीक होने का कब तक वेट करोगी? 6 महीने, 1 साल, उसके बाद क्या? राधिका, लगता है तुम आज झगड़ा करने के मूड में हो। मैं कल आती हूँ। मैं जा रही हूँ।
वापस मत आना। क्या हुआ विक्रम, तुम फिर मजाक कर रहे हो? मजाक तो मैं बनकर रह गया हूं, इतना बड़ा मजाक कि अपने आप से दम घुटने लगा है। यही पैर, यही व्हीलचेयर। विक्रम तुम बस वो देख रहे हो जो तुम्हें देखना है। जिंदगी तुम्हें क्या दिखाना चाहती है वो देखो। और तुम क्या दिखाना चाहती हो? कि तुम मुझसे प्यार करती हो? एक अपाहिज को लोग सिर्फ हमदर्दी दिखाते हैं राधिका, नॉट लव। क्या कहा तुमने? यू थिंक आई एम गॉड डैमन? हर दिन अपने आंसू पी के तुम्हारे सामने खड़ी रहती हूँ ताकि तुम्हें खुश देख सकूं। कुछ भी फीलिंग्स है विक्रम, अगर इतना ही बुरा लगता है तो चली जाओ यहां से। मैं छोटी उम्मीदों में जीना नहीं चाहता। तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी है विक्रम, लेकिन तुम इस उम्मीद में जीना नहीं चाहते क्योंकि तुमने हार मान ली है। और मैं नहीं देख सकती। गुड बाय। सर, पिछले दो महीने की बोट की लिस्ट है सर, जो मुंबई से मांडवा आती है, जिसमें एक बोट विक्रम कपूर का है सर, जो रोज ऊपर नीचे करता है। ये बड़े लोग हैं पांडे, मुंबई में कमाते हैं और मांडवा में उड़ाते हैं। लेकिन सर, पुलिस स्टेशन में विक्रम कपूर को आपने बोला था कि जिम्मी पकड़ा गया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। कई बार झूठ सही सच निकलता है पांडे। बोट तैयार है? जी सर। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। आज की बड़ी खबर, सारा डिगेंजा मर्डर केस के जांच अधिकारी रॉय ने यह बयान दिया है कि अब तक ये मर्डर केस बंद नहीं हुआ है क्योंकि सारा की मौत के पीछे जिम्मेदार शख्स को अब तक पकड़ा नहीं जा सका है। तुमसे फिर से कह रहा हूं, तुम मेरी बात मान लो वरना लीव। रोमिला से मिलने कौन आया था? पता नहीं सर। ये 1:30 to 3 का फुटेज गायब क्यों है? सर, लगता है पावर डाउन हो गया होगा। पावर डाउन? जनरेटर ऑन करवाओ, सारे मशीन्स को पावर पे बैकअप करके रखो, समझे? यस सर। सर, एक मिनट। श्योर। हाँ शर्मा जी, आप कहे और हम ना माने, घर में शादी ऑफ कोर्स, बट आई विल ट्राई। थैंक यू। थैंक यू। ये
ये सारा मर्डर केस में विक्रम का इन्वॉल्वमेंट होना ठीक नहीं है। वैसे क्या तुम उन दोनों के अफेयर के बारे में जानते थे? बी केयरफुल। हाँ हेलो डैड। बोलो डैड। मेरी बात सुनिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। सारा ने जब जिमी से सगाई तोड़ दी, जिमी ने विक्रम को जिम्मेदार ठहराया सारा की मौत के पीछे। जिमी मगर वो तो वो पकड़ा नहीं गया है प्रताप। मुझे विक्रम से बात करनी है। अभी नहीं प्रताप, फिलहाल तुम कुछ मत करो, विक्रम से बात मैं करूंगा। प्रताप, मेरा हाथ बहुत बुरी तरह से कटा है। I'm going to the hospital. Come fast. I'll just clear the bill. प्रताप आजकल विक्रम के सही सलामत घर वापस लौटने पर। नारंग प्लीज। विक्रम टफ है बंदा, ऐसे एक्सीडेंट के बाद भी बच गया। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैंने तुम्हें कल रात कहा था कि मैं सही मौका देके फिर मिलूंगी। कल रात विक्रम ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया था। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी, नहीं तो पता नहीं क्या। बंद करो ये खेल रमला, मैं पागल हो रहा हूं पागल। मैं कोई काम कर सकता हूं ना अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पे ला सकता हूं। तुमसे मिलने को तुम्हारी एक झलक देखने के लिए मैं भटकता रहता हूं रमला। You lost it, Narang? ये कमरा हो गया। और हाँ, उस वीडियो की सिर्फ एक ही कॉपी नहीं थी मेरे पास। पैसे चाहिए ना? ये लो। You were finished. Long ago, Narang. लेकिन विक्रम के बारे में अगर प्रताप को पता चला ना तो बहुत बुरा होगा। रामला, न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि अब तुम ये हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल छोड़ नहीं सकती। डन? चले। घर को ऑफिस बना दिया है। सॉरी तुमसे कल मिल नहीं पाया बेटा, रोमिला का हाथ कट गया था ना, हॉस्पिटल भागना पड़ा। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा। हम शर्मा जी की बेटी की शादी के लिए जा रहे हैं, कल बारात निकलते ही वापस आ जाएंगे। ओके, फिर बात करते हैं। डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ विक्रम। राधिका को फोन कर लो, कम ऑन। Thank you.
काका तेरी इस घटिया हरकत से तू मुझे मार देगा, तू मेरे शोज बंद करवा देगा। तेरे शोज ये सब कुछ मेरा बनाया हुआ है विक्रम, ये क्लाइंट्स
और सारा, तूने सारा को भी खरीद लिया? गलती खरीदने वाले की नहीं, बिकने वाले की होती है ना। ले जाओ उसे। ए कुत्ते! मैं तुझे खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। I will finish you. या मी नो नारंग, यू कैन फिनिश मी, यू नो व्हाई? बिकॉज यू आर फिनिश्ड। अरे इधर आ साले, विक्रम, और चल मुझे। Are you okay? Yeah. खत्म कर दूंगा तुझे साले। Do you want to have a drink? मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं। राम साले। Yeah, sure. चले। Are you okay, नारंग? यही देखना चाहती थी ना तुम। या प्रताप। Hi Romzi, everything okay? Yes Pratap, everything's under control. Vikram theek? Yes, he's all right, don't worry. Okay. Narang, hamara acha waqt un dono baap beto ka bura waqt zarur leke aayega.
burn in hell! Thank you.
क्या किया तूने? जिमी, जिमी, I can explain. मेरी बात सुनो. I can explain. तूने मार दिया उसे? जिमी, please. I saw what you think. मैंने जानू उसके. जिमी, सुनो. You. मेरी बात सुनो, जिमी. You killed her. Thank you.
I'll get the wheelchair. चर्सी, फोन करना भूल गया तू मुझे? हा? क्या हुआ साहब? इस आदमी को छुपा के रखा तूने? नहीं साहब, नहीं साहब। ठीक से देख। हाँ याद आया, ये आदमी तो बिना बताए निकल गया और मेरे पैसे भी नहीं दिए। और ऐसे जी सर, चुपचाप खड़े रह। किधर? साहब अनरजिस्टर्ड बुलेट्स रखने का बहुत शौक है ना तुझे? सर, तेरे अंदर भी डाल दूं? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। प्लीज मेरी बात सुन। मेरे पास कुछ है। नहीं नहीं सर, मैं कुछ दिखाना है सर, प्लीज देखिए प्लीज सर। हाँ मैं उस रात वहां था, पर मेरे अलावा वहां कोई और भी था। विक्रम कपूर, मुझे नारंग का फोन आया कि विक्रम ने सारा को, तो मैं डर के सारा के घर पहुंचा। जिमी, यू आई कैन एक्सप्लेन जिमी, मगर वहां पहुंच के देखा कि सारा तो जिंदा थी। तो फिर यू मैं डर गया था सर। ये तुम क्या कर रही हो? स्टॉप इट सारा, पुट द गन डाउन। बात सुनो सर, सर सारा पुट द गन डाउन। ये क्या कर रही हो? Get out of my house, Jimmy. Get out! Sir? अब हमारे बीच कोई गलत फहमी नहीं है सारा। सारा पुट द गन डाउन। I love you, baby. मैं अपनी गलती मानता हूँ सारा, it's all my fault. गलती मेरी है। सारा, please. I'm a changed man, सारा मैं। Jimmy, get out of my house! सारा मैं बदल गया हूँ। Don't come close to me. डर लगता है तुमसे। क्या? मेरी बात सुनो। Okay, okay, okay. I'm sorry. सारा पुट द गन। Don't come close to me. Jimmy. Just go away. Please. सारा को जिंदा देखकर मैं भी हैरान था कि नारंग ने मुझे वहां क्यों बुलाया।
विक्रम से बदला लेने के लिए या मुझे फंसाने के लिए? मेरी बात सुनो प्लीज. I love you. I always have. And I always will. सारा प्लीज, सारा put the gun down, सारा प्लीज. जिमी सारा, जिमी को एक मौका दो सारा, क्योंकि जिंदगी और रास्ते एक जैसे होते हैं, दोनों किस मोड़ से बदल जाए पता नहीं चलता. अपना ख्याल रखना. विक्रम का एक्सीडेंट हो गया ये बताने में सारा के घर पहुंचा, और फिर अचानक मैंने गोली की आवाज सुनी. मैं अंदर भागा तो मैंने देखा कि मुझे लगा कि सारा ने अपने आप को गोली मार दी थी. वो ऐसा क्यों करती सर? किसी ने मेरी सारा को मार दिया था. मैं उसकी बॉडी के पास गया सर, मैं बहुत डरा हुआ था. सारा उठो, सारा. और फिर उसका वॉचमैन आया, उसने मुझे देख लिया. मैं डर के वहां से भाग गया सर. भागते हुए मैंने बंगले के सामने का सीसीटीवी कैमरा देखा. मैं जानता था कि आप लोग मुझे पर शक करेंगे, इसीलिए मैंने उस कैमरा का फुटेज चुरा लिया, और उस फुटेज में मैंने उस आदमी की शक्ल देखी जिसने मेरी सारा को मारा. देखो उसको. जी सर. यहां से कैसे निकले? कौन है वो? तुम्हें मारने क्यों आया? पता नहीं. मैं देखती हूं कुछ. दरवाजा. Radhika!
जिमी ने मुझे सारा के घर का सीसीटीवी फुटेज दिखाया। वहां उसने नारंग को देखा। और उसके पीछे वो चेहरा दिखाई दिया जो इस सारे खेल को रच रहा था। विक्रम, विक्रम, मम्मी पापा के पास आ जाओ। तुम्हें फोटो नहीं निकलवानी? मम्मी, मुझे चाचू के साथ फोटो खींचनी है। विक्रम, जाओ। प्रताप, तुम भी आ जाओ। तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? अभी तुम्हारे भाई को गए हुए कुछ। नंदनी, तुम तो अभी भी यंग हो, विक्रम की भी तो सोचो। प्रताप, लीव, जस्ट लीव। आज विक्रम चाचू के साथ सोएगा। जिमी और तुम्हारी लड़ाई के बारे में पता चल गया था, और जब उसके प्लान किए हुए एक्सीडेंट से तुम बच गए। एक्सीडेंट दिखना चाहिए। जी। एक्सीडेंट हो गया, लेकिन विक्रम बच गया। उसको हॉस्पिटल लेकर गए। उसने फिर से तुम्हें मारने का प्लान बनाया। बाईपास रोड की वो गली उस रात सिर्फ जिमी और तुम्हारी मंजिल नहीं थी। रोमिला के प्यार में पागल वो नारंग भी उस रात तुम्हारा पीछा करते करते वहां पहुंच गया, और उसने वहां प्रताप को सारा का मर्डर करते हुए देख लिया। लेकिन ये बात प्रताप नहीं जानता था। ये वीडियो तुम्हारे पास कब से है? सही जगह पर मगर गलत समय पे। नारंग तुम्हें रोमिला के दिए हुए पैसे और उस वीडियो की एक कॉपी देने पहुंचा, क्योंकि वो रोमिला की नियत समझ गया था, लेकिन किस्मत ने उसे तुम्हें यहां बचाने के लिए भेजा था। नीचे पड़ी उसकी लाश से ये सारी चीजें बरामद हो गई हैं। तुम्हारा एक्सीडेंट होना, सारा का मरना, जिमी का गायब होना, ये सब एक इत्तेफाक नहीं था, प्रताप का प्लान था।
इंटेलिजेंट ऑफिसर्स की जरूरत है। यहाँ अलीबाग में क्यों सड़ रहे हो प्रताप? डोंट यू ब्लडी मूव। सारा को मुझे फोन नहीं करना चाहिए। हेलो प्रताप अंकल, विक्रम की गन मेरे पास है। विक्रम कॉल उठा नहीं रहा था तो आपको फोन किया। अगर मेरे पास रही तो चल जाएगी। ले जाइए इसे प्लीज। थैंक्स। सारा, विक्रम का एक्सीडेंट हो गया है। प्रताप का फोन आया था। What? Yes. विक्रम का एक्सीडेंट? उन्होंने कहा है तुम्हें आके पिकअप करूं। I'm coming. लेकिन प्रताप अंकल, फूलिश विक्रम, जिन पैसों के लिए तुम्हारी मां को मारना पड़ा था उन्हीं पैसों के लिए आज तक तुम्हारे सामने हाथ फैलाना पड़ता है। अजीब लगता है भीख मांगना तुमसे, अपने बेटे से। सौतेला है तो क्या हुआ, मैं भी बाप हूं, क्या करूं? मेरी अपनी फैमिली है, उनकी नीड्स है, उनकी जरूरतें, उनकी डिमांड्स है, उनकी एक्सपेक्टेशंस है। I need to keep them happy and myself too. पर तुम स्टबन हो, स्टबन खून है तेरा, बिल्कुल तेरी मां की तरह। रॉय सर, आपने सही कहा था, इस बंदूक की आखिरी गोली पर किसी का नाम लिखा है।
थैंक यू सर। विक्रम, रोमिला को यकीन था कि प्रताप तुम्हें मार देगा। विक्रम, ये क्या बोल रहे हो? प्रताप, विक्रम, डोंट बिलीव हिम। वो इस वीडियो को सबूत के तौर पर दिखाकर प्रताप को अरेस्ट करवा देगी। विक्रम, प्रताप इज माय हस्बैंड। विक्रम, विक्रम, दिस इज नॉट ट्रू। कुछ भी कह रहे हो आप, विक्रम, विक्रम, यू हैव टू लिसन टू मी। क्योंकि तुम्हारे बाद नंदिनी इस पूरी जायदाद की इकलौती वारिस होगी। ऐसा नहीं है। दिस इज, एंड देयर वाज नथिंग टू लूज। एक तीर से। विक्रम, विक्रम, तुम मुझे जानते हो। विक्रम रॉय साहब, मेरी बात तो सुनिए आप। शट अप। सबूत को छुपाना भी बहुत बड़ा जुर्म है। ले जाओ इसे। छोड़ो, छोड़ो। विक्रम, नंदिनी के बारे में सोचो। शी नीड्स अ मदर। विक्रम, आई एम बीइंग फ्रेम। मैंने कुछ नहीं किया। विक्रम, दिस इज नॉट मी। चल, आई एम नॉट हियर। आई कैन एक्सप्लेन। छोड़ो। विक्रम, विक्रम, लिसन टू मी प्लीज। सर, इस मर्डर वेपन की रिपोर्ट पर आपके सिग्नेचर चाहिए। ये मर्डर नहीं पांडे, सेल्फ डिफेंस का केस है। अपना ख्याल रखना विक्रम, और नंदिनी का भी। क्या पता था कि जिंदगी एक दिन वही देगी मुझे जो मैंने उससे कभी मांगा ही नहीं था। जिनके दुश्मन नहीं होते उनके अपने ही दुश्मन होते हैं। नहीं सर, नंदिनी मैडम के समय आपने मेरा मुंह पैसों से बंद कर दिया था, लेकिन अब नहीं। मुझे सब पता है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ है। मेरे एक्सीडेंट के पीछे प्रताप का हाथ था, और इस बात का पता पहली बार मुझे हॉस्पिटल में चला। खेल शुरू करने के लिए मेरा हॉस्पिटल से निकलना बेहद जरूरी था। मेरे होश आने पर जब मुझे सारा की मौत की खबर मिली तो मैं बेचैन हो गया। मुझे हॉस्पिटल में जिमी का फोन आया। सारा की मौत का सच उसने मेरे सामने रख दिया। क्या तुम मुझे उस वीडियो की एक कॉपी भेज सकते हो? धोखा ही नहीं, बदला भी पूरा होता है। There's good news, Vikram. Your reports are perfectly fine. बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाओगे तुम। मैं एक खुशखबरी प्रताप को देता हूँ। नहीं डॉक्टर, इससे पहले कि प्रताप को मालूम पड़ता कि मैं ठीक हो गया हूँ, मेरे रिपोर्ट्स कह रहे कि अब मैं चल नहीं सकता। क्या? मैंने डॉक्टर को अपने प्लान में शामिल कर लिया और हॉस्पिटल से घर पहुंच गया। हेलो प्रताप। सबकी नजर में अब सिर्फ एक अपाहिज था मैं, और किसी को क्या पता कि इस बार विक्रम पांव से नहीं दिमाग से चल रहा था। तुम्हारा दोस्त था। इससे पहले कि शक जिमी से मुझ पे आए, रॉय को यकीन दिलाना जरूरी था कि मैं अब चल नहीं सकता और मेरे ही खेल में
वो मुझसे आगे था। विक्रम कपूर। इस कहानी में एक किरदार ऐसा भी है जिसे सब जानते थे पर वो सब जानता था। हेलो जिमी, प्रताप ने अपनी गन स्टोलन रिपोर्ट की है। वो गन तेरे घर में तुझे पुलिस से पहले ढूंढनी होगी। हेलो विक्रम, मुझे वो गन मिल गई है। मेरी अगली चाल को कामयाब करने के लिए जिमी पे शक आना जरूरी था। शतरंज के इस खेल में जीत मेरी तय थी क्योंकि इस बार दोनों तरफ मैं ही बैठा था। प्रताप को बताने का समय आ गया। डॉक्टर, यूएस से विक्रम की रिपोर्ट्स आ गई। ये जान के कि मैं ठीक हो जाऊंगा वो फिर से मुझे मारने का प्लान बनाएगा। चांसेस आर कि वो 100% ठीक हो जाए। विक्रम, सारे मशीन्स को पावर पे बैकअप करके रखो। तुम्हारे मेरे बीच जो डिफरेंसेस हैं, उससे मैं नहीं चाहती किसी को चोट पहुंचे। रोमिला मेरे प्लान को कभी समझ ही नहीं पाई कि ये प्लान उसका कभी था ही नहीं। जिमी, प्रताप को आज मौका मिला है। मैं रॉय को सही समय पे फोन कर लूंगा। तुम उसे वो सीसीटीवी फुटेज दिखा देना। प्रताप का चेहरा देखते ही वो यहां भागा चलाएगा। मुझे वो गन आज किसी भी हालत में चाहिए। आज की रात खेल खत्म। जिसने अपना ही मर्डर प्लान किया हो वो मरता नहीं, मारता है। प्रताप ने मेरी मां को मारा। उसकी गन मेरे हाथों में मजबूरी से नहीं, मेरी मर्जी से आई। हेलो इंस्पेक्टर रॉय, अजीत चर्सी ने जिमी प्रकाशा को छुपा के रखा है। मेरे रचाए चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए मुझे प्रताप को उसी की गन से शूट भी करना था और रॉय को यकीन भी दिलाना था। There is a case of self-defense. ये मर्डर नहीं पांडे है, सेल्फ डिफेंस का केस है। Thank you.